हेलो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है छोले बनाने की। और इस वीडियो में मैं आज आपको एक सीक्रेट भी बताऊंगा जो कि छोले के कलर से रिलेटेड है। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनके छोलों में कलर नहीं आता है, तो वही सीक्रेट मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो छोले बनाने स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं रात भर भीगे हुए ये छोले यानी सफ़ेद चने। अब इन्हें हम उबालेंगे, तो इसलिए मैं इन्हें कुकर में कर रहा हूँ। अब कुकर में करके इसमें जो कलर आने का सीक्रेट है वो ये है कि इसमें अब डालना है हमें चाय की पत्ती का पानी, यानी चाय की पत्ती पानी में उबाल लें और फिर उस पानी को इसमें डालें। इससे क्या होगा कि जो कलर है वो एकदम हलवाई जैसा, जो बाहर के छोलों में होता है ब्लैक सा, वो कलर आ जाएगा और एकदम देखने में बहुत अच्छे लगेंगे छोले। तो अब इसमें डालने हैं हमें खड़े मसाले। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ तेज़पत्ते, और यहाँ पर डाली है मैंने कुछ लौंग, काली मिर्च और एक इलायची, जिससे कि जो फ्लेवर है वो छोले के अंदर तक चला जाएगा उबलने के साथ। तो यहाँ पर ये छोले, ये खड़े मसाले ले लिए हैं, अब इन्हें भी डाल देना है। और इसमें अगर पानी कम लग रहा है तो थोड़ा पानी और बढ़ा दिया है मैंने इसमें। अब डाल रहा हूँ थोड़ा नमक, और अब इसे ढक के इसमें 3 सीटी आने तक इसे हम उबालेंगे, जिससे कि छोले अच्छी तरह उबल जाएँ। छोले टाइट नहीं रहने चाहिए, वरना छोले की सब्ज़ी जो है वो गाढ़ी नहीं बनेगी और एक टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और जब तक छोले उबलते हैं तब तक हम बाकी चीज़ों को काट कर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर, 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ये कुछ लहसुन की कलियाँ छील के ले लिए हैं। अब इन्हें क्या करना है, अब इन्हें एक एक करके हमें मिक्सी में पीसना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्याज को पीस रहा हूँ मिक्सी के अंदर। प्याज का एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है कुछ इस तरीके से। देखिए प्याज पीस चुकी है, अब इसे निकाल के साइड में कर देंगे। और बाकी टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन को मैं एक साथ पीसूंगा। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ डालकर सबका फाइन पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ पीस कर रेडी हो चुकी हैं। तो इन्हें रखते हैं साइड में और देखते हैं छोले भी उबल चुके हैं हमारे। ये देखिए छोले का कलर एकदम बाहर के जैसे छोले होते हैं उन्हीं की तरह हो गया है ब्लैक, और छोले भी अच्छी तरह से उबल चुके हैं। तो अब छोले की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई में पहले करेंगे हम तेल। तो यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ करा है मैंने। तो अब जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसके अंदर डाल देनी है प्याज। इसमें मैंने प्याज का जो क्लिप है वो मेरा डिलीट हो गया, तो उसके लिए सॉरी। बाकी प्याज डालने के बाद थोड़ा भून लेंगे। और जैसे ही प्याज भुन जाता है, पूरा ब्राउन नहीं करना है प्याज को, प्याज थोड़ी भुन जाए, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होगा, उसके बाद ही हमें डाल देने हैं इसके अंदर जो हमने टमाटर के साथ मसाले वो पीसे थे वो डाल देने हैं। तो ये टमाटर की प्यूरी डाल दें, इसी के अंदर अदरक और लहसुन, हमारी हरी मिर्च भी इसी के साथ पीसी हुई हैं, तो अब इसे भी इसी के साथ पीस लेंगे, जिससे कि एक अच्छी प्यूरी बन जाएगी जो कि सब्ज़ी में स्वाद भी आएगा और सब्ज़ी गाढ़ी भी हो जाएगी इसकी वजह से। तो अब इसे भी अच्छे तरह से हम भून लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर डाल देनी है हल्दी, और इसी के साथ 2 छोटे चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 2 छोटी चम्मच ही डाला है मैंने धनिया पाउडर। तो अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इस मसाले को जब तक भूनना है जब तक कि ये कढ़ाई से अलग ना हो जाए, यानी तेल ना छोड़ने लग जाए, जब तक इसे अच्छी तरह से भूनना है। इससे कलर भी अच्छा आएगा और मसाला भूनने से सब्जी का भी टेस्ट बढ़ जाएगा। तो मसाले को भूनना है लगातार चलाते हुए, जिससे कि मसाला नीचे लगे ना। तो कुछ इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे भूनना है, और जैसे ही मसाला भुन जाएगा तो मसाला कढ़ाई से अलग होने लगेगा यानी तेल छोड़ने लगेगा, वही टाइम है परफेक्ट कि इसमें अब हमें छोले डाल देने हैं। तो मसाला भुन चुका है, तो अब इसी टाइम पर हम डाल देंगे इसमें छोले। मसाले को ज़्यादा जलाना नहीं है, जिससे क्या होगा कि सब्ज़ी का टेस्ट बिगड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए जैसे ही मसाला तेल छोड़ने लगे इसमें डाल देने हैं छोले। तो अब छोलों को अच्छी तरह से मिला लें, जिससे कि सब्ज़ी में इक्वली ग्रेवी मिल जाए और सब्ज़ी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही मसाले इसके साथ मिल जाएं छोले के साथ, अब इसे उबलने के लिए छोड़ना है। कम से कम इसे 10 मिनट उबालना है ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि सब्ज़ी गाढ़ी भी होगी और कलर भी आ जाएगा। तो ये देखिए उबलते उबलते सब्ज़ी का कलर आना स्टार्ट हो गया है, और इसी के साथ ही छोले गाढ़े होना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल लग रहे हैं रेस्टोरेंट जैसे छोले। तो अब इसे थोड़ी देर और उबालेंगे हम।
जिससे कि और छोले गाढ़े हों और इनमें थोड़ा और कलर आए और छोले की ग्रेवी इसके साथ अच्छी तरह से मिल भी जाएगी इतनी देर में, और फिर हमारे छोले खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप इन्हें सब्जी के साथ खाइए या भटूरे के साथ में, दोनों के साथ परफेक्ट अच्छे लगते हैं। तो अब थोड़ी देर और उबालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ मसाले। ये देखिए गरम मसाला डाल दिया है मैंने, और इसी के साथ डालूँगा मैं थोड़ा आमचूर पाउडर, जिससे कि इसमें खटास आ जाएगी, यानी खट्टापन आएगा थोड़ा, तो टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो अब छोले लगभग रेडी हो चुके हैं। तो अब छोले बनकर रेडी हो चुके हैं, तो इसमें डाल देंगे ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और मिला देंगे, और छोले एकदम खाने के लिए रेडी हैं। तो ये थी आज की छोले की रेसिपी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।